डेंगू के मरीज मिलने से मचा हड़कंप। खबर औरैया जिले से है। औरैया के एयरबाग टाकरा उमरेन में डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। औरैया में डेंगू से तबाही मची हुई है। इस तबाही में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 मरीजों को एयरबाग टाकरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक बच्ची की उम्र 13 साल है, उसको सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। औरैया जिले के एयरबाग टाकरा के उमरेन में डेंगू के मरीज मिले हैं। एयरबाग टाकरा अधीक्षक एवं डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अधिकारी टीम के साथ गाँव में जाँच करने में जुटे हैं। जो है डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा फैला हुआ है, किस तरीके से कितने पेशेंट मिले और कितने पेशेंट की मौत हो चुकी है? देखिए, आज जो पेशेंट के बारे में हमें पता चला, समाचार माध्यम से पता चला, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि ऐसे ऐसे 4 लोगों की डेथ हुई है, 6 की नहीं, 4 लोगों की डेथ हुई है। तो जिसमें हमने अपनी संबंधित टीमें भेज के, और मैं स्वयं भी वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर पूरा सर्वे कार्य हमने किया है। तो जहाँ पर जिन लोगों के यहाँ पर डेथ हुई है, उन सभी लोगों को जिनको भी बुखार आ रहा था, उन सबकी डेंगू की हमने जाँचें की हैं, जिसमें कुछ लोग पॉजिटिव भी आए हैं, बाकी लोग नेगेटिव आए हैं। तो जितने भी पॉजिटिव लोग आए हैं, उन सबका इलाज हम अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवा रहे हैं, यहाँ पर उन लोगों को हम लेके आ गए हैं। और बाकी जिन लोगों की प्लेटलेट्स वगैरह ज़्यादा कम हैं, उनको हम हायर सेंटर पर रेफर कर रहे हैं। तो हमारे नियर बाई सैफई मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर हमने उन लोगों को रेफर भी कर दिया है। सर, किस तरीके से देखा जा रहा है, किस तरीके से हिदायत दी जा रही है गांव में गंदगी वगैरह को लेके? और जो है देखिए, इसका सबसे जो प्रमुख कारण है डेंगू फैलने का, वो कहीं ना कहीं हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो घरों में हमारा एकत्र किया हुआ जो पानी है, जो काफ़ी टाइम से कहीं पे भरा हुआ है, जिस पे हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर डेंगू का मच्छर ज़्यादातर पनपता है और वहीं पे हमें लार्वा भी मिलता है। जैसे कि आज हमारी DMO जो औरैया हैं वो आए हैं, और उनके साथ में जो ब्रीडर चेकर्स हैं वो भी आए हुए हैं। तो उन्होंने कई घरों में जाके जो देखा है, उस दौरान पाया है कि कई जगह प्लास्टिक के बर्तन जीने के अंदर जो कैविटीज होती हैं उनके अंदर लोगों ने रखे हुए हैं, वो काफ़ी टाइम से महीने महीने भर से रखे हुए हैं, जिसके अंदर हमें लार्वा भी मिला है। वहाँ पर उस लार्वा को हमने सफाई कराई है, और बाकी लोगों से कहा गया है कि आप लोग अपने घरों के अंदर सफाई का विशेष ध्यान रखें। जैसे कूलर हो गया, फ्रिज के पीछे ट्रे हो गई, और कूलर को बिल्कुल ना चलाएं, अगर कूलर को साफ करके रखें और उसमें किसी प्रकार का जल का भराव ना हो, उसकी जालियां निकाल के छतों पर सुखाएं प्रॉपर रूप से। ये सब चीज़ें हमने बताई हैं। बाकी वीडियो साहब से बात हो गई है यहाँ पर ब्लॉक में, तो उनके माध्यम से सारी नालियाँ एक दिन मेगा अभियान चलाकर पूरे उमरेन में हमने सफाई वगैरह भी करवाई थी, और कल से फिर से सफाई शुरू करेंगे। तो और बाकी दवाइयों का छिड़काव आज से शुरू हो गया है, और पहले भी हमने कराया है दवाइयों का छिड़काव। लेकिन ये जो डेंगू का मच्छर होता है, वो साफ पानी में प्राय पाया जाता है, और प्राय देखने में मिला है कि ये घरों के अंदर ही कहीं ना कहीं ठहरा हुआ, रुका हुआ बर्तनों में कहीं ना कहीं पानी होता है, वहीं से ये पनपता है। बुखार आया आपके घर में और कोई भी था? मेरी बहू थी, कानपुर में इलाज कराया था, खत्म हो गई। किस गांव के रहने वाले? रहने गए हम लोग, उसे भी वो क्या डेंगू से थे? डेंगू पता नहीं क्या हो गया था, उसके पेट में दिक्कत। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।